Hello all and welcome to ClatPoint. Let's see what the courts have done in the whole of August and what all do we have to learn. Before starting, I would like to remind you all that there are excellent courses available for you to prepare your CLAT, CLAT PG, and you know it's approaching. So feel free to give a call, ask about the courses. And you will have mock tests, you will have weekly tests, then PDFs will be given to you. Mentorship is there for you people. So go ahead, check out the courses and at least give a call. So the first case in the last month is of V. Senthil Balaji versus State. Now the bench was of Justice Bobanna and Justice Sundaresh. What happened in this case? The court said, or rather, it gave a certain conditions when the habeas corpus, the writ of habeas corpus does not apply. Now, what is habeas corpus, a writ of it? There are five kinds of writ, right? Abhi ye jo paanch writs hain, ye hum ya to high court mein file kar sakte hain or in supreme court, right? Ye kahan se aata hai? Hum log ka fundamental right hai, theek hai? Under article 32. अगर आपका फंडामेंटल राइट जा रहा है यू कैन अप्रोच द कोर्ट. नाउ हेबियस कॉर्पस की जो रिट होती है ये तब होती है अगर किसी इंसान को इलीगली अरेस्ट कर लिया गया है, यानी कि जो प्रोसीजर दिया है लॉ में वो नहीं फॉलो किया गया, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, उस इंसान को छुड़वाने के लिए कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करते हैं कि ये जो इंसान है इसको आप प्लीज कहिए कि छोड़े, बाहर निकालें, क्योंकि इसको इलीगली डिटेन किया गया है, ठीक है? तो अब कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस पे ही बात की और बोला कि अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस शैल ओनली बी इशूड व्हेन द डिटेंशन इज इलीगल एज अ मैटर ऑफ रूल. एन ऑर्डर और रिमांड बाय अ जुडिशियल ऑफिसर कल्मिनेटिंग इन टू अ जुडिशियल फंक्शन कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय द वे ऑफ अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस व्हाइल इट इज ओपन टू द पर्सन अग्रीव्ड टू सीक अदर स्टैट्यूटरी रेमेडीज. अगर कोर्ट ही ऑर्डर कर रहा है कि एक इंसान को रिमांड में लिया जाए तो ये इलीगल कहीं से नहीं हुआ, ये डिटेंशन, ये इट्स अ वेरी लीगल डिटेंशन. हाँ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये कंटेस्ट आप कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि भाई उस इंसान को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं लेना चाहिए था, तो आप बेशक और स्टैट्यूटरी रेमेडीज के लिए अप्लाई करें. यू मे हैव मोर ऑफ योर यू नो स्टैट्यूटरी रेमेडीज विद यू, बट यू कैन नॉट फाइल अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. वो सिर्फ तब होगा जब एक इलीगल डिटेंशन हो रहा है. वेन देर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ द मैंडेटरी प्रोविजंस अलॉन्ग विद अ टोटल नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, देर मे बी अ केस फॉर एंटरटेनिंग अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस एंड दैट टू बाय वे ऑफ अ चैलेंज. अगर कंप्लाई नहीं कर रहे हैं मैंडेटरी प्रोविजंस को, तो वो भी ये एक एक्सेप्शन के तौर पर एक तरह से कोर्ट कह रहा है कि पहली बात तो अगर जुडिशियल ऑफिसर ने रिमांड दिया है तो ये आपका केस ही नहीं बनता हेबियस कॉर्पस का, पहली बात. दूसरी बात, अगर हम मान भी लें कि हेबियस कॉर्पस का केस बन रहा है आपके हिसाब से, तो वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब जो प्रोविजंस हैं लॉ के अंदर वो फॉलो नहीं हुए, ठीक है? तो फिर ये होगा कि हाँ ठीक है, आप जो है वो चैलेंज कर सकते हैं इस रिमांड को बाय वे ऑफ हेबियस कॉर्पस. When an arrestee is forwarded to the jurisdictional magistrate under section 19 clause 3 of the PMLA Act 2002, no writ of habeas corpus would lie. जब एक किसी legislation के तहत किसी को arrest किया जा रहा है, jurisdictional magistrate को forward किया जा रहा है, तो फिर आप habeas corpus के through किसी को छुड़वा नहीं सकते. Any plea of illegal arrest is to be made before the magistrate सिंस कस्टडी बिकम्स जुडिशियल. और अगर आपको लगता है कि गलत तरह से उस इंसान को पकड़ा गया है, तो आप मैजिस्ट्रेट के सामने कहिए कि इलीगली अरेस्ट किया गया है. आप वहाँ पे इस चीज़ को पहले कंटेस्ट कीजिए, इलीगल अरेस्ट. एनी नॉन कंप्लायंस ऑफ द मैंडेट ऑफ सेक्शन 19 ऑफ PMLA एक्ट वुड एंश्योर टू द बेनिफिट ऑफ द पर्सन अरेस्टेड. फॉर नॉन कंप्लायंस द कॉम्पिटेंट कोर्ट शैल हैव द पावर टू इनिशिएट सेक्शन 62 ऑफ PMLA. अब अगर इंसान को जो अरेस्ट किया गया है वो अरेस्ट नॉन कंप्लायंट था, जो लीगल प्रोविजंस हैं उनसे कंप्लाई नहीं कर रहा था, तो भी सेक्शन 62 ऑफ PMLA में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं. बट
आप हेबियस कॉर्पस की रिट उसमें नहीं जाते। नाउ सेकेंड इज गवर्नमेंट ऑफ केरला वर्सेस जोसेफ, जस्टिस बी आर गवाई एंड जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। अब इसमें बहुत ही अच्छे से ये बताया गया है कि जो एडवर्स पोजेशन है उसके प्रिंसिपल्स क्या है। एडवर्स पोजेशन क्या होता है? किसी और की लैंड है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि लैंड आपकी नहीं है या वो घर आपका नहीं है, आप उसमें 12 साल के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली, और उसके बाद जो रियल ओनर्स हैं वो आके कहते हैं कि भाई ये तो हमारा घर है, हमें दे दो वापस। तो आप कह सकते हैं कि नहीं, हम 12 साल से यहाँ पे हैं, इसीलिए अब हम ही यहाँ रहेंगे, ठीक है। सो आपका ये जो पोजेशन का राइट है, बिकॉज यू वर पोजेसिंग इट, ओनरशिप से बड़ा हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है टू द फैक्ट दैट ओनरशिप अदरवाइज इज ऑलवेज सुपीरियर टू पोजेशन, ठीक है। अदरवाइज जो है वो ओनरशिप इज अ बिगर राइट दैन पोजेशन। तो अब इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं एडवर्स पोजेशन के? फर्स्टली, पोजेशन मस्ट बी ओपन, क्लियर, कंटिन्यूस एंड हॉस्टाइल। ये नहीं कि आप छुप के चुपचाप उस घर में रह रहे हैं, नहीं, आप ओपनली रह रहे हैं, सबको पता है, कंटिन्यूसली आप इतने साल रहे, और ये आपके दिमाग में कोई शक नहीं है कि ये घर आपका है, नहीं, यू नो दैट दिस हाउस डज नॉट बिलोंग टू यू। आप हॉस्टाइल पोजेशन ही लिए हुए हैं टू द क्लेम और पोजेशन ऑफ द अदर पार्टी। ऑल थ्री क्लासिक रिक्वायरमेंट्स मस्ट को एग्जिस्ट, ये सब साथ में होना चाहिए। ये नहीं कि कंटिन्यूसली तो रह रहे हैं लेकिन हॉस्टाइल नहीं रह रहे हैं, हॉस्टाइल रह रहे हैं लेकिन कंटिन्यूस नहीं रहे। तो ये सब को एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक साथ ही सारी कंडीशंस होनी चाहिए हैं। इसको क्या कहते हैं? नेक वी, एडिक्वेट इन कंटिन्यूटी, नेक क्लैम दैट इज एडिक्वेट इन पब्लिसिटी, मतलब सबको पता हो, एंड नेक प्रेकोरियो दैट इज एडवर्स टू अ कॉम्पिटिटर इन द डिनाइल ऑफ टाइटल एंड नॉलेज। सेकेंड, द पर्सन क्लेमिंग एडवर्स पोजेशन मस्ट शो क्लियर एंड कोजेंट एविडेंस सब्सटैंशिएट सच क्लेम। अब आपको भी एडवर्स पोजेशन दिखाने के लिए क्लियर एविडेंस पेश करना होगा, क्योंकि ओनरशिप के टाइटल तो आपके पास है नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स तो होंगे नहीं, तो आप पोजेस कर रहे थे, ये आपको साफ साफ दिखाना होगा। मेयर पोजेशन ओवर अ प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम डज नॉट ग्रांट द राइट ऑफ एडवर्स पोजेशन ऑन इट्स ओन, देयर मस्ट बी सम ओवर्ट एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द लाइसेंसी इंडिकेटिंग एजर्शन ऑफ हॉस्टाइल टाइटल। सिर्फ चुपचाप रह रहे ने, आया इंसान ने मांगा और आपने कुछ ओवर्ट एक्ट किया, आपने कहा नहीं हम नहीं निकलेंगे यहाँ से, और एनीथिंग, एनी ओवर्ट एक्ट, नॉट जस्ट स्टेइंग देयर, ठीक है। मेयर कंटिन्यूस अनऑथराइज्ड पोजेशन इवन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 इयर्स इज नॉट इनफ, सिर्फ 12 साल खामोशी से रहना इज नॉट इनफ। सच क्लियर एंड कंटिन्यूस पोजेशन मस्ट बी अकंपनीड बाय एनिमस पोसिडेंडी, यानी कि इंटेंशन होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन ये है कि हाँ ठीक है, जब ये कहेंगे हमसे जाने को जो ओनर है हम चले जाएंगे, इफ दैट इज योर इंटेंशन देन यू डू नॉट हैव एन एडवर्स पोजेशन। इफ योर इंटेंशन इज कि हम जो है ये जो राइटफुल ओनर है उसको डिस्पोज कर देंगे और हम ही रहेंगे, तो फिर ये आपका क्लेम बन सकता है। सच अ प्ली इज अवेलेबल नॉट ओनली एज डिफेंस वेन टाइटल इज क्वेश्चन बट इज ऑल्सो अवेलेबल एज अ क्लेम टू अ पर्सन हु हैज प्रिफर्ड हिज टाइटल। मेयर पासिंग ऑफ एन इजेक्टमेंट ऑर्डर डज नॉट ब्रेक इन पोजेशन नाइदर कॉजेज हिज डिस्पोजेशन। अब मान लेते हैं कि बात हो रही है घर पे और एक पार्टी कह रही है कि हमारा क्लेम है, हम एडवर्स पोजेशन में हैं, 12 साल के ऊपर हो गया। दूसरी पार्टी कह रही है भैया ये हमारा घर है, आई हैव द पेपर्स, ये कंटिन्यूसली तो रहे भी नहीं है, और या जो भी या हमें पता नहीं था कि ये रह रहे हैं, छुप के रह रहे थे, वट एवर मे बी द एविडेंसेस। तो अब मान लेते हैं कि कोर्ट ऑर्डर करता है कि भाई ऐसा है कि जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर लेते हैं, आप मिस्टर जो रह रहे हैं यहाँ पे, आप जाके दूसरे घर में रहिए, तब तक जब ये सॉल्व हो जाएगा मसला तब आप आके रहिएगा। तो ये क्या है? इजेक्टमेंट ऑर्डर है, उनको निकाला जा रहा है। लेकिन इससे हम ये नहीं मानेंगे कि पोजेशन ब्रेक हो गया, हम ये नहीं मानेंगे, कंटिन्यूस पोजेशन चाहिए ना, तो एक इजेक्टमेंट ऑर्डर को हम पोजेशन का ब्रेकेज नहीं मानेंगे। व्हेन द लैंड सब्जेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स वेयर इन एडवर्स पोजेशन हैज बीन क्लेम्ड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, द कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू एक्ट विद अ ग्रेटर सीरियसनेस। अभी अगर जो एडवर्स पोजेशन हैज बीन क्लेम्ड एक लैंड पे जो कि गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, तो अब कोर्ट ज्यादा सीरियसली इफेक्टिवली और हर चीज सर्कमस्पेक्ट करेगा और स्टेट का टाइटल उस पर देखेगा। अ प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन मस्ट बी प्लीडेड विद प्रॉपर पर्टिकुलर्स सच एज when the possession became adverse, यहाँ बताइए कि आपका possession adverse कैसे है। The court is not to travel beyond the pleadings to give any relief. आपको अपनी
फुल ऑन रखनी होगी, बहुत ही कंप्लीटली। कोर्ट आपसे कुछ भी, आपको हेल्प नहीं करेगा, आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई इट इन योर प्लीज ग्रेट, इफ यू आर नॉट देन आपको नहीं मिलेगा वो क्लेम। क्लेम ऑफ इंडिपेंडेंट टाइटल एंड एडवर्स पोजेशन एट द सेम टाइम अमाउंट टू कॉन्ट्रोडिक्टरी प्लीज। अब दो चीजें, एक आप ये कह सकते हैं कि ये घर हमारा ही था, ये जो पेपर्स इनके पास हैं ये फॉर्ज्ड हैं, ये घर हमको मिला था, इट्स माय एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल। या तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि ये घर आपका है, या आप ये क्लेम कर सकते हैं कि घर तो उनका है लेकिन हम इतने साल से रह रहे हैं तो अब हमारा हुआ। आप दोनों चीजें एक साथ क्लेम नहीं कर सकते, नहीं तो ये ऑपोजिट है, क्योंकि आप एडवर्स पोजेशन, आप उस चीज पे एडवर्स पोजेशन कभी क्लेम ही नहीं कर सकते हैं जिसके आप राइटफुल ओनर हैं या यू क्लेम टू बी वन। क्योंकि अगर आप राइटफुल ओनर हैं तो एडवर्स पोजेशन कैसा, एडवर्स तो बाय वर्ड इट मींस कि किसी की कॉन्ट्रेरी जा रहा है ना। अगर आपको लगता है कि वो यू आर द ओनर ऑफ इट, देन देयर इज नो एडवर्स पोजेशन, सो यू कैन क्लेम ओनली वन। वेयर पोजेशन कैन बी रेफर टू अ लॉफुल टाइटल इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एडवर्स। द रीजन बीइंग that a person whose possession can be referred to a lawful title will not be permitted to show that his possession was hostile to another's title. Phir next is ki burden of proof jo hai wo rests upon the person jo adverse possession claim kar raha hai, the one who's claiming ki hamara adverse possession, obviously burden of proof uska hoga. Ownership apne aap mein ek saboot hota hai. The state cannot claim the land of its citizens by way of adverse possession as its welfare state. ये नहीं कह सकती स्टेट कि क्योंकि ये पूरा तो हमारा ही, हमारी हम स्टेट हैं और सारी ज़मीन हम ही होल्ड करते हैं इसलिए हम एडवर्स पोजेसर हैं। स्टेट ये नहीं कर सकता है, ठीक है। स्टेट इस तरह से एडवर्स पोजेशन नहीं दिखा सकता है कि बिकॉज एवरीथिंग, एवरी लैंड बिलोंग्स टू मी, देयरफॉर आप 12 साल से ज़्यादा हो गए, आप जाइए। नेक्स्ट केस इज मोहम्मद वाजिद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। ये बेंच थी जस्टिस गवई की एंड जस्टिस करदीवाला की। इसमें हम लोग ने एट लेंथ देखा कि सेक्शन 504 डिस्कस किया गया। 504 क्या है आईपीसी का? इंटेंशनल इंसल्ट विद द इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। तो अब ये कब होता है? तो कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 504 ऑफ आईपीसी कॉन्टेम्पलेट्स इंटेंशनली इंसल्टिंग अ पर्सन एंड देयर बाय प्रोवोकिंग सच पर्सन इंसल्टेड टू ब्रीच द पीस और इंटेंशनली इंसल्टिंग अ पर्सन नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द पर्सन इंसल्टेड मे बी प्रोवोक्ड so as to cause a breach of peace, public peace, or to commit any other offence. तो 504 क्या कहता है? एक इंसान को इंसल्ट किया, इसलिए इंसल्ट किया इस इंटेंशन से कि वो इंसान अब रकस क्रिएट करेगा, अब वो ऐसे प्रोवोक होगा कि जो पीस है वो ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली तो पीस को ब्रीच नहीं किया, पर हमारी हरकतें ऐसी थी कि सामने वाले के रिएक्शन से वो पीस ब्रीच हो रहा है। अब अगर उसे रिएक्ट नहीं किया, वेरी गुड, बट हमारा इंटेंशन अगर ये था, देन आई एम स्टिल लाइबल फॉर द ऑफेंस, ठीक है। ही डज और डज नॉट इज वन थिंग, बट आई नो कि अगर हम ये हरकत करेंगे तो सामने वाला इज लाइकली टू बी इंसल्टेड एंड ही विल गो ऑन गिविंग अ रिएक्शन जिससे कि पब्लिक पीस जो है वो ब्रीच होगी। म्योर अब्यूज मे नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ द सेक्शन। सिर्फ अब्यूज करना इस सेक्शन में आए ये जरूरी नहीं है। But the words of abuse in a particular case might amount to an intentional insult provoking the person insulted to commit a breach of public peace or commit any other offence. वैसे तो सिर्फ abuse नहीं आता इसमें, but case पर depend कर सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो कोई abuse ऐसी रही हो उस particular case में कि insult से इंसान जो है वो breach of public peace कर सकता है। If abusive language is used intentionally and is of such a nature as would in ordinary course of events lead a person insulted to break the peace or to commit an offence under law, the case is not taken away from the purview of this section merely because insulted person did not actually break the peace or commit any offence, having existed, self-exercised, self-control, or having been subjected to abject terror by the offender. अब आपने वो अपनी सारी विलपार लगा दी है ये ऐसा कुछ बोलने में और आपने बोल दिया है जिससे सामने वाला रिएक्ट करेगा इन अ मैनर दैट द पीस इज ब्रीच्ड। अब अगर सामने वाले ने सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज कर लिया या क्योंकि जिसने ये ऑफेंस किया है वो फॉर एग्जांपल गोली लिए खड़ा है, बहुत सारे लोगों के साथ आया है
ऐसे कि जो सामने इंसान है वो टेरराइज हो गया, ऐसे उसे कुछ नहीं बोला, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर नॉट लाइबल अंडर दिस सेक्शन. यू आर स्टिल लाइबल बिकॉज यू हैव डन एवरीथिंग विच कुड ब्रीच द पीस. इन जजिंग वेदर पर्टिकुलर अब्यूसिव लैंग्वेज इज अट्रैक्टेड अंडर 504, द कोर्ट हैज टू फाइंड आउट इन द ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. कैसे देखा जाएगा? ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. एक बेइंतहा टची इंसान के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, गुस्से वाले इंसान के हिसाब से नहीं देखा जाएगा. एक ऑर्डनरी कोर्स में, एक ऑर्डनरी इंसान ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस में क्या करता, उस हिसाब से देखा जाएगा. वट बी द इफेक्ट ऑफ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज एंड नॉट वट द कंप्लेनेंट एक्चुअली डिड एज अ रिजल्ट ऑफ हिज पेक्यूलियर इडियोक्रेंसी और कूल टेम्परेचर और सेंस ऑफ डिसिप्लिन. अब उस इंसान का हद से सिवा कूल टेम्परमेंट था, इसलिए उसे रिएक्ट नहीं किया. हम ये सब नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि एक आम इंसान क्या करता है इसमें. इट इज द ऑर्डिनरी जनरल नेचर ऑफ द अब्यूसिव लैंग्वेज दैट इज द टेस्ट फॉर कंसिडरिंग वेदर द अब्यूसिव लैंग्वेज इज एन इंटेंशनल इंसल्ट लाइकली टू प्रोवोक द पर्सन इंसल्टेड टू कमिट अ ब्रीच ऑफ द पीस एंड नॉट द पर्टिकुलर कंडक्ट और टेम्परमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट. ठीक है, हम कंप्लेनेंट के नेचर के हिसाब से नहीं चलेंगे. मेयर अब्यूज डिसकर्टसी रूडनेस और इंसुलेंस विल नॉट अमाउंट टू एन इंटेंशनल इंसल्ट विद इन द मीनिंग ऑफ 504 IPC. इफ इट डज नॉट हैव द नेसेसरी एलिमेंट ऑफ बींग लाइकली टू इंसाइट, वर्ड इज इंसाइट, ठीक है, द पर्सन इंसल्टेड टू कमिट अ ब्रीच ऑफ पीस ऑफ एन ऑफेंस एंड द अदर एलिमेंट ऑफ द अक्यूज इंटेंडिंग टू प्रोवोक द पर्सन इंसल्टेड टू कमिट अ ब्रीच ऑफ पीस एंड नोइंग दैट द पर्सन इंसल्टेड इज लाइकली टू कमिट. उसको ये पता था कि लाइकली है अ ब्रीच ऑफ पीस. ईच केस ऑफ अब्यूसिव लैंग्वेज शैल हैव टू बी डिसाइडेड इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट केस and there cannot be a general proposition that no one commits an offence under 504 IPC if he merely uses abusive language against a complainant. तो सिर्फ ये क्योंकि abuse किया रहे तो ये कहाँ 504 में आएगा, ऐसा कोई assumption या presumption नहीं होंगे. केस टू केस फैक्ट के हिसाब से देखा जाएगा. 506 पे कोर्ट ने यह कहा है कि a bare perusal of 506 IPC makes it clear that a part of it relates to criminal intimidation. Before an offence of criminal intimidation is made out, it must be established that the accused had an intention to cause alarm of the complainant to the complainant. Now comes Sindhu Janak Nagar Goje, I hope it's pronounced that way, versus State of Maharashtra. Division Bench, Justice Bela Trivedi and Justice Dipankar Datta. इसमें क्या हुआ था? इसमें ये कोर्ट ने कहा once again कि भाई अगर कोई इंसान FIR रजिस्टर कराने आया है तो पुलिस को वो रजिस्टर करनी ही होगी. तो पुलिस के नॉट से अच्छा देखते हैं, वो सुनने में इतना गंभीर तो लग नहीं रहा, अरे हमें नहीं लगता ये ऑफेंस हुआ होगा, या ये कि अच्छा चलो हम थोड़ी सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लें, थोड़ी सी पूछताछ कर लें, फिर हम तो आए FIR लिखेंगे. नहीं, अगर कोई इंसान FIR लिखवाने आया है तो FIR दर्ज होगी. ये चीज़ कोर्ट बहुत बार कह चुका है, इस केस में भी कहा. एंड इस केस में एक बहुत ही मेजर लैंडमार्क केस जो है FIR के रजिस्ट्रेशन पे, दैट इज़ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP 2014 का केस है, ये डिस्कस किया. तो वी विल सी दैट व्हाट वाज सेड इन ललिता कुमारी, जो कि इस केस में भी रिटेरिएट किया गया. फर्स्टली द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज मैंडेटरी अंडर 154 ऑफ द CRPC. If the information discloses commission of a cognizable offence and no preliminary inquiry is permissible in such a situation, अगर offence cognizable है तो आपको FIR लिखनी होगी. If the information received does not disclose a cognizable offence but indicates the necessity of an inquiry, तो फिर preliminary inquiry conduct की जा सकती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या एक cognizable offence बन रहा है या एक non-cognizable offence बन रहा है. सिर्फ ये देखने के लिए inquiry की जाएगी, ये देखने के लिए नहीं कि क्या ये इंसान सच बोल रहा है, क्या इसी ने तो ऑफेंस नहीं किया है, क्या ऑफेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये सब नहीं. सिर्फ ये देखा रहेगा कि जो ये कह रहा है क्या उसे कॉग्निजिबल ऑफेंस बनता है या नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस बनता है. कॉग्निजिबल है तो पुलिस कैन टेक द कॉग्निजेंस, वरना इट कैन नॉट. इफ द इंक्वायरी डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंस, FIR मस्ट बी रजिस्टर्ड. इन केसेस वेयर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड्स इन क्लोजिंग अ कंप्लेंट, द कंप्लेंट अ कॉपी ऑफ सच of the entry of such closure must be supplied to the first informant forward and not later than 1 week. अगर कोई इंक्वायरी हुई है तो आप 1 week में इंफॉर्मेंट को इंक्वायरी का फाइनल स्टेज क्या है वो बताइए. इट मस्ट डिस्क्लोज द रीजन इन ब्रीफ फॉर क्लोजिंग कंप्लेंट एंड नॉट प्रोसीडिंग फर्दर.
उसमें लिखा होना चाहिए है, अगर उनको लगता है FIR नहीं लिखी जानी चाहिए क्योंकि ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, तो ये प्रॉपरली बताना चाहिए उस इंक्वायरी में, उस रिपोर्ट में जो 1 वीक में इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी। इन्फॉर्मेंट कौन है? जो FIR लिखवाने आया। द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अवॉइड हिज ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग ऑफेंस इफ कॉग्निजिबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज्ड। एक्शन मस्ट बी टेकिंग एरिंग ऑफिसर्स हु डू नॉट रजिस्टर FIR इफ इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड डिस्क्लोज द कॉग्निजिबल ऑफेंस। The scope of preliminary inquiry is not to verify the veracity or otherwise of the informant received, but only to ascertain whether it reveals a cognizable offence or not. अब कौन से केसेस हैं जहाँ पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है? तो कुछ कैटेगरी ऑफ केसेस कोर्ट ने दिए थे, जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या फैमिली डिस्प्यूट, कमर्शियल ऑफेंसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस, करप्शन के केसेस, या फिर केसेस वेयर देयर इज अबनॉर्मल डिले इन इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। कितना डिले? फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स से ऊपर इन रिपोर्टिंग द मैटर विदाउट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर द रीजन ऑफ डिले। अगर बता रहे हैं 3 महीने से ऊपर क्यों, तो ठीक है, अगर नहीं बता रहे तो हाँ आप एक इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो पुलिस है वो कर सकती है FIR लिखने से पहले। द कोर्ट सेड कि ये जो है वो सिर्फ इलस्ट्रेशन है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ये 5। फिर कोर्ट कहता है कि वाइल इंश्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड एंड द कंप्लेनेंट, अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुड बी मेड टाइम बाउंड एंड इन एनी केस इट शुड नॉट एक्सीड 7 डेज। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पे आप 1 साल 2 साल नहीं ले सकते। द पुलिस हैज टू मेक द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर। एंड इट्स अ वेरी ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन कि 7 डेज के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जानी चाहिए। द फैक्ट ऑफ सच डिले एंड द कॉजेज of it must be reflected in the general diary entry. और general diary में लिखना होगा, this is the 8.2, कि general diary में आपको हर चीज़ record करनी होगी कि पुलिस स्टेशन में आए, FIR लेके क्या information थी, FIR लॉज की कि नहीं की, ये हर चीज़ preliminary inquiry हुई कि नहीं हुई और preliminary inquiry में क्या निकला, ये हर चीज़ general diary में लिखी होनी चाहिए। Now comes हरेंद्र राय versus State of Bihar. Now the bench was a 3 judges bench, जस्टिस संजय कौल, जस्टिस अभय ओका एंड जस्टिस विक्रम नाथ। इसमें क्या कहा गया, FIR पे ही डिस्कस किया गया है थोड़ा सा, और ये कहा गया है कि जो FIR है पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो पब्लिकली अवेलेबल होता है, और सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है। नाउ व्हाट इज टू बी सीन इज दैट एनी पब्लिक डॉक्यूमेंट डज नॉट स्टैंड प्रूवन बाय द मेयर फैक्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन। ओनली बिकॉज आप एक डॉक्यूमेंट ले जाके दे देते हो जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रूव हो गया। प्रूव आप अलग करेंगे उसको, लेकिन हाँ एडमिसिबल होगा। इट इज प्रूफ इन द यूजुअल मैनर ऑफ प्रूफ व्हेन एन ऑब्जेक्शन इज टू बी टेकन। द कोर्ट यूजुअली एक्सेप्ट्स अ फैक्ट एज प्रूफ व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द डॉक्यूमेंट। कब कोर्ट कहता है कि कोई फैक्ट प्रूव हो गया? जब जो डॉक्यूमेंट है उसके सामने, जो एविडेंस है, वो ये कंक्लूड करता है कि हाँ जो आप बात बोल रहे हैं और जो इस डॉक्यूमेंट से साबित हो रहा है ये सेम है। सो द कोर्ट यूजुअली एक्सेप्ट्स अ फैक्ट एज प्रूफ when after considering the document and the evidence before it concludes that what is stated in the document is believable based on what the document on the face of it states along with what a witness to the document states about the contents and how the document was prepared and authored. isme jo witness hote hain document ke, kyunki signed hoga wo document to koi witness raha hoga us time, aur witness jo keh raha hai ki usme kya likha gaya hai, phir badalni hui thi, ha ye do log the jo sign kar rahe the, everything contributes ki ha bhai कोर्ट ये माने कि ठीक है कोई चीज़ प्रूफ हुई है थ्रू डॉक्यूमेंट। एट द स्टेज ऑफ एविडेंस व्हेन एनी डॉक्यूमेंट पेपर इज और पेपर इज फॉर्मली प्रोड्यूस्ड फॉर बीइंग ट्रीटेड एज अ पीस ऑफ एविडेंस, द कोर्ट लुक्स एट 2 बेसिक एस्पेक्ट्स। क्या है वो? फर्स्टली द एग्जिस्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। कोर्ट पहली बात तो ये देखेगा कि जिस डॉक्यूमेंट पर आप रिलाई कर रहे हैं क्या वो एग्जिस्ट करता है, और सेकेंड क्या देखेगा, प्रूफ ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। अच्छा हमने घर पर लिख लिया और कहा कि ये एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जीक्यूशन इसका कैसे हुआ, साइन हुआ, कौन लोग थे, कंटेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। वेयर आफ्टर द डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन इज मार्क्ड एज एग्जिबिट। जब ये हो जाता है तो हम उसको एग्जिबिट मार्क कर लेते हैं और ये हमारा एविडेंस का पार्ट बन जाता है। एट दिस स्टेज ऑफ एग्जिबिटिंग एनी डॉक्यूमेंट एज अ पीस ऑफ एविडेंस द ट्रूथ ऑफ वॉट इज स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट इज नॉट कंसिडर्ड, इट इज लेफ्ट ओपन टू फाइनल इवेल्युएशन एट द ट्रायल आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन। उसमें जो लिखा है वो सच है कि नहीं है, ऑल ऑफ दैट क्रॉस एग्जामिनेशन में होगा, लेकिन क्या वो डॉक्यूमेंट एडमिट करना चाहिए, क्या किसी ने देखा था उसका साइन होते हुए, ये सारी चीज़ें हम देख के एग्जिबिट मार्क कर देते हैं। एंड द एंटायर टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस अबाउट द एग्जिस्टेंस
and condenses weight in conjunction with various other factors emerging during a trial. At the final evaluation stage, the trial court concludes whether the document speaks the truth and decides what weight is to be given for it, for a final decision. In other words, the evidentiary value is analyzed by courts at the time of final judgment. अब आता है बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस अरविंद कुमार. इसमें पॉक्सो पे बात की गई इस केस में, और जो सपोर्ट पर्सन्स हैं अंडर पॉक्सो उन पे डिस्कस किया गया कि सपोर्ट पर्सन्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज पॉक्सो के अंदर जो केसेस आते हैं वो सेक्शुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं ऑन चिल्ड्रन. सो ऑब्वियसली द फैमिली, द चाइल्ड, एवरी थिंग नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट. सो अब उनका क्या काम होता है, वो क्यों होते हैं, ये सब कोर्ट ने बताया है. लेट्स सी. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रजिस्टरिंग एन FIR और कंप्लेंट अंडर पॉक्सो, द विक्टिम एंड देयर फैमिली आर रिक्वायर्ड टू इंटरैक्ट विद पुलिस मशीनरी, मेडिकल ऑफिसर्स, हॉस्पिटल्स, मैजिस्ट्रेट, स्पेशल कोर्ट, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या चाइल्ड वेलफेयर कमिटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स, विच इन इटसेल्फ कैन बी डॉटिंग एंड ओवरवेलमिंग. पहले इतना कुछ ग्रेव हुआ है कि वो पॉक्सो के अंदर आया. पॉक्सो में आने के बाद जो फैमिली है, जो द चाइल्ड एंड द फैमिली, दे हैव टू सी अ लॉट मेनी थिंग्स एंड द फैमिली हैज़ टू डील विद पुलिस, मेडिकल ऑफिसर्स, मैजिस्ट्रेट, स्पेशल कोर्ट, JJB, हर चीज़ को लेके. तो ये सब काफ़ी डॉन्टिंग हो सकता है उनके लिए, उनको एकदम समझ में नहीं आएगा. इसी चीज़ के लिए उन्हें सब, इन सब चीज़ों के लिए वेरियस स्टेजेस पे उन्हें सपोर्ट चाहिए होगा. इसके लिए सपोर्ट पर्सन अलॉट किए जाते हैं, और इसीलिए जो सपोर्ट पर्सन हैं ये पॉक्सो के रूल्स में लिखा हुआ है 2020 के, कि दे विल बी सपोर्ट पर्सन टू फिल दिस लैक्यूना. अ सपोर्ट पर्सन इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड प्रैक्टिकल असिस्टेंस विच आर ऑफन क्रूशियल फॉर रिकवरी ऑफ द चाइल्ड. दिस कैन गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग देम कोप विद आफ्टरमैथ ऑफ द क्राइम एंड विद द स्ट्रेन ऑफ एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग. इन मेनी वे अ सपोर्ट पर्सन एक्ट्स एज अ गार्डियन एट लिटियम फॉर द चाइल्ड, यानी कि गार्डियन जो कि लॉ ने प्रोवाइड किया है एक बच्चे के लिए. इन एडिशन टू मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा काम ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहे. एंड एड्रेसिंग द कंसर्न्स ऑफ द चाइल्ड एंड फैमिली, द सपोर्ट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकंपनिंग द चाइल्ड ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, मेडिकल या एग्जामिनेशन, डेपोजिशंस एंड टू असिस्ट इन ऑल अदर इंटरेक्शंस एट द इन्वेस्टिगेशन, प्री ट्रायल एंड ट्रायल स्टेज. हर स्टेज पे जहाँ पे भी उस बच्चे से कोई भी डेपोजिशन मांगा जा रहा है या कुछ भी बात की जा रही है, तो सपोर्ट पर्सन हर वक्त साथ रहने चाहिए. द सपोर्ट पर्सन इज टू मेक अवेलेबल पब्लिक और प्राइवेट इमरजेंसी एंड क्राइसिस सर्विस, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री लीगल एड, प्रोवाइड असिस्टेंस विद नेविगेटिंग द विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, ट्रैक द स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, फाइलिंग ऑफ चार्जेस. ये सारी चीज़ें घर वाले नहीं कर पाएंगे, स्पेशली जब वो इन हालातों में. फाइलिंग ऑफ चार्जेस, फॉलो द डेट्स ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग, ये सारा काम, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, सामने वाले को बेल मिली, डिटेंशन हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो एक सपोर्ट पर्सन है उसे ही करनी होगी. दैट इज द ड्यूटी ऑफ द सपोर्ट पर्सन. नाउ द नेक्स्ट केस इज इल्वारासन वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. अगेन आई होप द प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट. ये टू जजेस बेंच का जजमेंट है, जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस अरविंद कुमार. इसमें क्या हुआ कि सेल्फ मैरिज सिस्टम, एक इट्स रादर न्यू फॉर्म ऑफ सिस्टम जो कि तमिलनाडु में वाया अमेंडमेंट हिंदू मैरिज एक्ट में लाया गया है. इसमें क्या कहा गया है कि टू हिंदूज कैन मैरी विदाउट फॉलोइंग एनी रिचुअल्स या सोलमनाइजेशन बाय अ प्रीस्ट. कोई इसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, और वो अपनी मैरिज को डिक्लेयर करें इसकी कोई जरूरत नहीं. सेल्फ मैरिज सिस्टम यही है कि विद इन दो लोगों ने शादी की विदाउट एनी प्रीस्ट और एनी रिचुअल्स, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि फ्रेंड्स और सब में आके बताया जाए. मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि डिक्लेरेशन जरूरी है सेल्फ मैरिज में भी. अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस आया कि भाई अगर हमें डिक्लेयर ही करना है तो ये सेल्फ मैरिज कैसे हुई. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया जो हाईकोर्ट ने कहा था, एंड इट हेल्ड द फॉलोइंग. The view expressed by the Madras High Court in Balakrishnan Pandian is erroneous. It is premised on the assumption that each marriage requires a public solemnization or declaration. Such a view is rather simplistic because often due to parental pressure, couples intending to enter into matrimony may not enter into it for the reason of such opposition, hold or give such public declaration
as doing so would imperil their lives and could very likely result to the threat of bodily injury or forcible or coerced separation. तो कोर्ट ये कह रहा है कि भाई अगर आप ये करवा रहे हैं ना कि डिक्लेयर कराएं तो यू आर टेकिंग अ वेरी सिंपलिस्टिक व्यू. अगर कोई सेल्फ मैरिज में जा रहा है इसका मतलब है कि इट्स वेरी लाइकली कि दे आर एक्चुअली नॉट वांटिंग टू टेल इट टू द फैमिली और द सोसाइटी, क्योंकि जो सोशल प्रेशर है ड्यू टू वट एवर रीजन से अपोजिंग द मैरिज वो इतना होगा कि अल्टीमेटली उनको थ्रेट होगा, उनकी बॉडी इंजरी को थ्रेट होगा, वो ज़बरदस्ती अलग किए जा सकते हैं. सो ये अजम्पशन कि एवरी मैरिज रिक्वायर्स अ पब्लिक सॉलमिनेशन ये गलत है. ये इट इज़ वेरी सिंपल यू नो सिंप्लीफाई सिंप्लीफिकेशन ऑफ थिंग्स एंड ये उन लोग के लिए थ्रेट हो सकता है. नाउ एस के खाजा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता. इसमें क्या हुआ था, 307 में ऑफ IPC क्या पनिश करता है, वो पनिश करता है अटेम्प्ट टू मर्डर. इसमें ये बात हुई कि भाई एक इंसान ने दूसरे इंसान को मारा गुप्ती some heavy thing जिससे मारा और सर पे मारने की कोशिश की, जिसको मार रहे थे वो हट गया और उसके कंधे पे लग गई. Now the question was कि क्या ये offense है 307 में, क्या ये attempt to murder है, क्योंकि जो जो चोट लगी है वो तो right shoulder पे लगी है ना, सर पे तो नहीं लगी है. तो कोर्ट ने कहा कि म्योरली बिकॉज द इंजरी सस्टेन बाय द कंप्लेनेंट वो वेरी सिंपल इन नेचर, तो फाइनली कंधे में ही चोट आई है सर, बहुत ही सिंपल नेचर की इंजरी है, दैट वुड नॉट अब्सॉल्व द अपेरेंट ऑफ द अक्यूज्ड फ्रॉम बीइंग कन्विक्टेड फ्रॉम एन ऑफेंस अंडर 307 ऑफ द IPC. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एन इंटेंशन. बात क्या है, इंटेंशन आपका क्या था और ओवरट एक्ट क्या था. इंटेंशन आपका था कि भैया हम एक इंसान को मर्डर करना चाह रहे हैं, और आपका ओवरट एक्ट क्या था कि उठा के उसके सर पे कुछ भारी सामान रहे थे. तो आपका इंटेंशन तो क्लियर हो गया, इट वॉज योर अटेम्प्ट टू मर्डर कमिटेड बाय एपेलेंट और अक्यूज्ड. इन द इंस्टेंट केस इट इज प्रूव्ड बाय द कोजेंट एविडेंस दैट द एपेलेंट और द अक्यूज्ड हैड ट्राइड टू असॉल्ट द कंप्लेनेंट एंड दैट टू ऑन हिज हेड. इसलिए 307 पे आएगा. फाइनल एक सिंपल इंजरी लगी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दैट्स ऑल फॉर दिस मंथ. थैंक यू सो मच, होप यू लाइक्ड इट. सी यू नेक्स्ट मंथ. बाय बाय, टेक केयर.